की टीम से भानु प्रताप जी आए हैं। और इनसे अंजुम सर से वो भी स्टेज पे आए लैंडलाइटिंग के लिए एडवोकेट भानु शिरकत करिए। और जैसा कि आपको पता है कि आज आयुष पाटिल this earth has been gifted about 1,24,000. Somebody asks, why does not a single woman has been descended to this world as a prophet? Prodigal woman has not been descended to this world, has fed milk to the prophet for 9 months. With this, a very pleasant morning to everyone. I welcome प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ, उनका वेलकम करता हूँ। हमारे असिस्टेंट प्रिंसिपल साहब है, लोगों तक कैसे पहुँचे, लोगों को जो हम इस इवेंट के जरिए मैसेज देना चाहते हैं कि वुमेन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी लाइक द मेन, और उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है इस नेशन को आगे बढ़ाते हुए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने कोएंकर से, तू ही जाया हरी सिंह नलवा, तू ही रंजीत सिंह महान, नानक दी सोच नालो हो गए तुसी। आपको महीने का खर्चा एक मिल जाता है, इंटरिम लग जाता है जब तक आपका केस, और उसके साथ में इसको कॉम्पनसेशन डोमेस्टिक वाले सेक्ट में कॉम्पनसेशन का प्रोविजन भी है, जाता है शेल्टर का प्रोविजन। जैसे अभी मैं यहाँ पे 5 डेज के लिए, अभी जो बच्चे या जो लेडीज, ये जो आज यहाँ पे जितने भी अटेंडेंट्स हैं, यू ऑल आर अवर इंटरनेशनल वुमेन डे। भी कहना चाहूंगी कि हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हमने आज स्किप भी किया इधर जीत पूंज में, तो हमने सबको ये मैसेज पहुंचाने की बहुत कोशिश की है कि बेटियों को पढ़ाएं और उनको आगे, मतलब उनको जॉब वगैरह लगा के फिर उसके बाद शादी करें, छोटी उम्र में शादी में करवाएं उनकी। और जितने भी मेरे देश में बेटियाँ हैं उनको मैं बोलूँगी कि अपने राइट्स लिए भी खुद लड़ें और एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें। पेरेंट्स के लिए उसको यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को पढ़ाएं और उनकी जल्दी शादी ना करवाएं। जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर नूक एंड कॉर्नर में, जे के यूटी में, तो उसी के चलते डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी आज ये इवेंट हमने रखा था यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। तो इवेंट का पर्पस यही था कि जो जो मैन मैसेज है इस डे का, वो लोगों तक पहुँचाया जाए, और जो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड पे, उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, स्पेशली वुमेन रिलेटेड स्कीम्स। जिससे जैसे आप देख भी रहे होंगे कि हमने यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टॉल भी इंस्टॉल करवाए हैं, लेकिन ह्यूमन रिलेटेड स्कीम्स को डील करते हैं। जैसे हम बात करें मॉन स्टॉप सेंटर की, डी एच ई डब्ल्यू की, हमारे जे के बैंक का स्टॉल लगा है, स्किल इंडिया में एक स्टॉल लगा है, यूथ डिपार्टमेंट का स्टॉल लगा है, लेबर डिपार्टमेंट का लगा है, एम्प्लॉयमेंट का लगा है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जे के बैंक का जो उनका रहता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत उनका स्टॉल लगा है। मकसद यही है कि लेडीज़ को अवेयर किया जाए उनकी स्कीम्स के बारे में। और हमने ये इवेंट कॉलेज में करने का इसलिए सोचा क्योंकि मोस्टली जो हमारी बच्चियां हैं उनको अवेयर किया जाए कि क्या क्या स्कीमें सरकार लेके आई है बच्चियों के लिए, और उनका भरपूर उनको फ़ायदा मिलेगा उनमें। तो उसके बारे में भी ये था कि हम जो इवेंट है बच्चों के साथ मिलकर करें, वो आज का इवेंट जो है आप देख ही रहे हैं कि उसकी प्रोसीडिंग अभी चल ही रही है, तो बाकी आप खुद ही कवर कर रहे हैं इसमें। बच्चों ने जो गुजर अग्रवाल हॉस्टल की बच्चियाँ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्किट के माध्यम से उन्होंने अपना जो मैसेज देने की कोशिश की थी, जो लड़कियां हैं
उतनी ही इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में जितने लड़के हैं, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करती है सोसाइटी में जितना लड़के करते हैं, जितना मेल मेंबर्स करते हैं। इसी तरह पहाड़ी हॉस्टल्स की बच्चियाँ वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम पे अपना इवेंट पेश कर रही हैं। उसी तरह आप डलसा की टीम देखेंगे, डलसा की टीम में जो लीगल एस्पेक्ट है, जो 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 लॉज हैं, जो डिफरेंट लॉज हैं हमारे, जैसे PNDT एक्ट है या फिर जो वुमेन रिलेटेड लॉज हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और खासकर हमारी औरतों को और बच्चियों को कि क्या क्या लॉज है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार टाइम टू टाइम लेके आती है। इसी तरह आप देखेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आज शिरकत कर रहा है, इसमें जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं, जैसे अगर कोई छेड़खानी करता है किसी औरत के साथ, किसी लेडी के साथ, किसी बच्चे के साथ, ईव टीजिंग होती है, तो उसके लिए सरकार क्या क्या प्रावधान रखा है और जो जो लॉज में चेंजिंग आई है उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, खासकर बच्चों।